मंगेश यादव के बाद सुल्तानपुर लूट में शामिल एक और बदमाश का उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस ने जिस बदमाश को मार गिराया है उसका नाम अनुज प्रताप सिंह है और अनुज सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती में पूरी तरह शामिल था। आपको बता दें कि एनकाउंटर उन्नाव में सुबह 4 बजे हुआ। लखनऊ एसटीएफ की टीम को इस डकैत को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को खबर थी कि डकैती का आरोपी उन्नाव जिले में ही है, जिसके बाद उन्होंने अनुज को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। फिर जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो अनुज अपने एक साथी के साथ बाइक में सवार होकर भागने लगा। जब वह भाग रहा था तो पुलिस ने पीछे से खूब गोलियां चलाई और अनुज के सिर पर गोली लगी और उसका साथी बाइक से कूदकर भाग निकला। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगेश यादव के बाद डकैती में शामिल दूसरे आरोपी को भी अब मार गिराया है। अनुज प्रताप सिंह अमेठी के जनापुर का रहने वाला था। अनुज प्रताप सिंह इस लूट गैंग का मास्टरमाइंड विपिन सिंह का सबसे करीबी था। विपिन सिंह के साथ अनुज गुजरात के एक डकैती कांड में भी शामिल था। यह डकैती गुजरात के सूरत में हुई थी। हालांकि विपिन सिंह ने इस मामले में पहले ही सरेंडर कर लिया है, लेकिन उनके साथी फरार थे जो अब एक एक करके मारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर लूट का जो वीडियो सामने आया था उसमें दुकान के अंदर सबसे पहले अनुज प्रताप सिंह ही घुसा था। वह डकैती के मास्टरमाइंड का सबसे करीबी था तो वही सबसे पहले दुकान के अंदर गया और दुकान के मालिक भरत सोनी और उसके बेटे पर पिस्तौल तानकर उन्हें इसी ने धमकाया था। फिर एक एक करके दूसरे बदमाश भी ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसे थे और इस डकैती में इन बदमाशों ने करोड़ों की लूट की थी। News report india.com